हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्लास टेंथ की साइंस के फिजिक्स पोर्शन से होगा। आज के इस लेक्चर में हम लाइट और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर केवल बोर्ड्स एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर के जो मेजर कंटेंट रहेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्टिक्स एंड इट्स टाइप, लाइट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स और फर्दर जो इससे रिलेटेड फिनोमिना है उनकी स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का हमारा पहला कंटेंट जो है वो है ऑप्टिक्स एंड इट्स टाइप। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिना की स्टडी कर सकते हैं। लाइट से रिलेटेड फिनोमिना कौन से हो सकते हैं? वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकता है, जिनकी डेफिनेशन आप आगे फर्दर लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब ऑप्टिक्स टू टाइप्स की होती है जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस के अंदर है लेकिन वेव ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। वेव ऑप्टिक्स हमारी क्लास प्लस टू के अंदर आती है। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि लाइट का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। इसे लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहा जाता है। लाइट को जब हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट मानते हैं तब ऐसी स्टडी को हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि आपने देखा चैप्टर का जो नेम है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो इसके बाद जो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो होगा लाइट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। लाइट क्या चीज़ होती है? लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। हमें चीज़ों को देखने की जो सेंस होती है वो लाइट के द्वारा मिलती है और लाइट के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसीलिए इसे मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है और इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम के अंदर होती है। और लाइट की जो वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर होती है उतनी ही वेलोसिटी ऑलमोस्ट एयर के अंदर भी होती है, इसीलिए हम एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड को 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड ही मानते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना पे आते हैं। जो है सबसे पहले जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है और दूसरा मीडियम उसे अपने अंदर से पास होने के लिए अलो नहीं करता है और उसे अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। तो ऐसे फिनोमिना को, और लाइट उस मीडियम के साथ टकराकर वापस सेम मीडियम के अंदर लौट जाती है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टाइप्स का होता है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हुआ कि एक इंसिडेंट रे आई और इंसिडेंट रे ने मिरर के साथ टकराने के बाद वो उसी मीडियम में लौट गई, क्योंकि एयर के अंदर एक मीडियम एयर था और दूसरा मीडियम मिरर था। तो उसने क्या किया, उसे अपने अंदर से गुजरने नहीं दिया, जिसकी वजह से लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक होकर सेम मीडियम में लौट गई। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि आप वाटर सरफेस ले लीजिए, मिरर ले लीजिए या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस ले लीजिए, ऐसी सरफेस के ऊपर जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसके नाम से ही क्लियर है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो भी पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी जो रेज गई हैं वो पैरेलल गई हैं। इसका मतलब एक रेगुलर पैटर्न दिखाई दिया है, इसीलिए इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है या इसे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दूसरा टाइप जो है लाइट का, सॉरी रिफ्लेक्शन का, वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस के ऊपर होता है। रफ सरफेस जैसे कि वुड, वॉल्स या कोई भी अनपॉलिश्ड सरफेस। जब ऐसी सरफेस के ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तब एक डिफ्यूज्ड पैटर्न बनता है। देखिए, इंसिडेंट रेज जो पैरेलल आई थी लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई रे किसी तरफ चलेगी, कोई रे किसी तरफ चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है उसके अंदर सारी की सारी रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। आप रे डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफ्यूज्ड पैटर्न बन रहा है, इसीलिए इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन जो हुआ है उस वो किन नियमों को फॉलो करते हुए हुआ है। तो पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो है कि जो इंसिडेंट रे आती है उसका एंगल नॉर्मल के साथ, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
आप देख सकते हैं इंसिडेंट, आप डायग्राम के अंदर देखिए इंसिडेंट रे आई और उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो है एंगल आई, और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो है एंगल आर, तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके बाद सेकंड जो लॉ है उसके अंदर है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है सरफेस का, वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन के अंदर आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही होगी और नॉर्मल जो होगा सरफेस का वो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई करेगा, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ऐसे रिफ्लेक्शन को इसको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिरर, मिरर एंड इट्स टाइप। मिरर क्या होता है, मिरर एक ऐसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है जिसके ऊपर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट रेज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक इमेज दिखाई देती है, एक कॉपी दिखाई देती है हमें उसके अंदर। तो ऐसे सरफेस को हम मिरर बोलते हैं। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या चीज़ होती है, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेनर होती है, एक प्लेन के अंदर लाई करती है। ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एकदम प्लेन है, प्लेनर है या स्ट्रेट है, फ्लैट सरफेस है। ऐसी सरफेस वाले मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके अंदर जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है। आप देखिए जो मिरर होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, ये इतना इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये इतना इतना एक मिरर है और ये एक स्फीयर का पार्ट है। इसके बाद सेकंड ये भी देखिए, ये मिरर है और ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये वाला एक स्फीयर है, इसका एक पार्ट है। तो ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्फेरिकल मिरर भी आगे फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। आप नाम देखिए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉनवेक्स मिरर। अब ये क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर के अंदर जो डेफिनेशन है वो है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है। ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, तो ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिसेस्ड होती है इनवर्ड अवे फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, ऐसे सरफेस वाले मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो बाहर की ओर उभरी हुई होती है, किसकी तरफ, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ उभरी हुई होती है। ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले मिरर को हम कॉनवेक्स मिरर बोलते हैं। इसके बाद हमने टाइप्स देख लिए कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन फिनोमिना को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर। हम रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कैसा रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है, देखिए इसने ये लाइट रे यहाँ से आई और इसने प्लेन मिरर के ऊपर टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इंसिडेंस एंगल जितना था नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखिए, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, इसको ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज पीछे से आ रही है, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है। इसका मतलब जो इमेज बनी है वो एक्चुअल रेज के काटने पर नहीं बनी है, इसको हमें पीछे बनाना पड़ा है, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। और एक खास बात, प्लेन मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से, और जो इमेज बनती है उसका साइज भी एज इट इज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होता है। तो ये जो फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये प्लेन मिरर के ऊपर ऐसा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि कॉनवेक्स मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है और कॉनकेव मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।